हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। जी हां दोस्तों, WWE स्मैकडाउन 5 बड़ी कहानियां जो इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड से सामने आई। WWE स्मैकडाउन का इस हफ्ते रॉयल रंबल 2023 से पहले आखिरी एपिसोड देखने को मिला। स्मैकडाउन के इस एपिसोड के दौरान कुछ बेहतरीन मैच देखने को मिले। ब्रॉक लेसनर एंड बॉबी लेसले जैसे बड़े सुपरस्टार भी इस शो का हिस्सा थे। बता दें, इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की शुरुआत रे मिस्टोरियो वर्सेस कैरिन क्रॉस मैच के जरिए हुई थी, वहीं इस शो का अंत सोलो सिकोवा वर्सेस केविन ओवेंस मैच के जरिए हुआ था। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए इस हफ्ते WWE स्मैकडाउन से सामने आई 5 बड़ी कहानियों पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 5, WWE स्मैकडाउन में लेसी एवंस ने लंबे समय बाद लड़ा पहला मैच। जी हाँ दोस्तों, WWE स्मैकडाउन में लंबे समय से लेसी एवंस का वीडियो पैकेज चलाया जा रहा था। इस हफ्ते आखिरकार उनका मैच देखने को मिला। बता दें, लेसी एवंस का मैच जैस्मिन अलूर नाम के लोकल रेसलर से हुआ था और एवंस ने अलूर को कोबरा क्लच सबमिशन मूव में जकड़कर हराया था। लेसी एवंस के इस डोमिनेंट परफॉर्मेंस की वजह से ऐसा लग रहा है कि WWE का उन्हें हील सुपरस्टार के रूप में बड़ा पुश देने का प्लान है। अगर ऐसा है तो लेसी एवंस को आने वाले समय में इस वक्त ब्लू ब्रांड की सबसे बड़ी बेबी फेस सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ स्मैकडाउन विमेंस चैंपियनशिप स्टोरी लाइन में शामिल किया जा सकता है। नंबर 4, रॉयल रंबल मैच के लिए कई नए नाम आए सामने। जी हां दोस्तों, WWE स्मैकडाउन के इस हफ्ते भी मेंस एंड विमेंस रॉयल रंबल मैचों के लिए सुपरस्टारों के नामों का खुलासा होना जारी रहा। बता दें, इस हफ्ते ब्लू ब्रांड में जेवियर बुड्स, द मिज और ब्रॉक लेसनर के मेंस रॉयल रंबल मैच में शामिल होने का खुलासा किया गया। वहीं विमेंस रंबल मैच के लिए बेली, डकोटा काई, इयो स्काई, जाया ली और लेजी एवंस के नाम का ऐलान किया गया। मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए 11 सुपरस्टार जबकि विमेंस रॉयल रंबल मैच के लिए 18 सुपरस्टारों के नाम सीक्रेट रखे गए हैं। ये सभी सुपरस्टार रॉयल रंबल मैच के दौरान सरप्राइज एंट्री पर कर सकते हैं। नंबर 3, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनलिस्ट सामने आए। जी हाँ दोस्तों, इस हफ्ते इंपीरियम ने टैग टीम मैच में लिगाडो डेल फैंटासामा जबकि ब्राउन स्टोमैन एंड रिकोसे ने हिट रॉक को हराया। इस जीत के साथ ही ये दोनों टीमें स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं। अब इंपीरियम और ब्राउन स्टोमैन एंड रिकोसे का अगले टूर्नामेंट के फाइनल में आमना सामना होगा। ये देखना रोचक होगा कि इन दोनों में कौन सी टीम ये टूर्नामेंट जीतकर द उसोज के खिलाफ स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप मैच में जगह बना पाती है। बता दें, इस हफ्ते ड्रू मैकइंटायर एंड सेम्स को हिट रॉ के खिलाफ टैग टीम मैच में हिस्सा लेना था। हालांकि बाइकिंग राइडर्स द्वारा किए हमले के बाद सेम्स और ड्रू मैकइंटायर बैकस्टेज चले गए थे। इसके बाद ब्राउन स्ट्रोमैन एंड रिकोसे ने मैच में उनकी जगह लेकर हिट रॉ को हराया। नंबर 2, WWE स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर एक बार फिर बॉबी लेसले पर पड़े भारी। जी हाँ दोस्तों, WWE स्मैकडाउन में इस हफ्ते ऑस्टिन थ्योरी, न्यू डे और द मिज के बीच सेगमेंट देखने को मिला। इस सेगमेंट के दौरान जब ब्रॉल शुरू हुआ तो बॉबी लेसले ने कहा, आकर रिंग में मौजूद सुपरस्टार पर हमला करके उनका बुरा हाल कर दिया। जल्द ही बेबी लेसले ने ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करना शुरू किया। इसके बाद ब्रॉक लेसनर ने क्राउड के बीच से आकर बॉबी लेसले पर हमला कर दिया था और इस प्रकार ब्रॉक एक बार फिर बॉबी पर भारी पड़े। बता दें, ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेसले दोनों ही मेंस रॉयल रंबल 2023 मैच का हिस्सा है। ये बात तो पक्की है कि लेसले इस मैच के दौरान लेसनर से अपना बदला लेने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 1, रोमन रेंज के मना करने के बावजूद भी WWE स्मैकडाउन में नजर आए सैमी जैन। जी हाँ दोस्तों, रोमन रेंज ने इस हफ्ते स्मैकडाउन में सैमी जैन को सामने आने से मना किया था। हालांकि जे उसो ने कॉल करके सैमी जैन को स्मैकडाउन में आने को कहा था। इसके बाद सैमी जैन ने ब्लू ब्रांड में नजर आकर सोलो सिकोवा को केविन ओवेंस के खिलाफ मैच में हार से बचाया था। रोमन रेंज को सैमी जैन का उनके मना करने के बावजूद भी स्मैकडाउन में नजर आना शायद ही पसंद आया होगा। इस बात की संभावना है कि ट्रैवल चीफ रॉयल रंबल 2023 में सैमी जैन को उनका ऑर्डर नहीं मानने के लिए कोई बड़ी सजा दे सकते हैं। संभव है कि रोमन रेंज इस बार अपना गुस्सा जे उसो पर भी निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SS Live TV इंडिया को सब्सक्राइब करें और पास आए बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।